हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दिस इज माय वेरी फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 11 फिजिक्स। आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट। एंजॉय। अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि शी मैड और व्हाट। अब ना तो ये कॉमेडी शो है और ना ये डांस क्लासेस हैं, तो एंजॉय कैसे होगा? ये तो साइंस की क्लास है और वो भी फिजिक्स की, और एज वी ऑल नो फिजिक्स स्टार्टिंग से ही हम सबको बहुत बोरिंग लगती है और वर्ड ये सुनने में ही बहुत बोरिंग साउंड करता है, तो ये इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है? बट गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जब भी फिजिक्स हो या कुछ भी, हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसके फैक्ट्स के साथ उसे पढ़ते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लग जाता है। और अभी कोरोना की वजह से हम सबका जो टाइम चल रहा है, तो उस टाइम पे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। जब डेथ मेड इन चाइना हो सकती है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, इवन फिजिक्स भी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। सो अब बातें बहुत हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड हम लोग 9th से ही सुनना स्टार्ट कर देते हैं, हमें पता है कि ये साइंस की एक ब्रांच है। अब जो फिजिक्स वर्ड है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है 9th से ही, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हॉरेबल सब्जेक्ट बन जाता है, और कुछ को ऐसा लगता है कि ये हमसे कभी नहीं होगा। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों ये हमें टफ लगता है, क्यों हम ये सोचते हैं कि फिजिक्स हमसे नहीं होगी, या फिर किस तरीके से हम पढ़ें इसे जिससे हमारा स्कोर अच्छा हो 12th बोर्ड में, और कैसे हम हमारे लिए ये सब्जेक्ट ईजी बन सके, तो आज की इस वीडियो में हम यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। सो ये आप सबकी 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट क्लास है, आप सब स्टूडेंट्स ने साइंस ले ली होगी ऑब्वियसली, तभी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस अपने इंटरेस्ट से ली होगी, कुछ ने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को दिखाने के लिए ली होगी, और कुछ स्टूडेंट्स ने ये सोच के ले ली होगी कि अगर हम 10th में कर सकते हैं तो हम अभी 11th 12th में भी कर सकते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हमारी 10th की साइंस होती है और 11th में जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, ये हमारा इनके बीच में एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है, एक बहुत बड़ा गैप होता है। इवन आप सब ये कह सकते हैं कि बिल्कुल लाइफ अलग हो जाती है 11th में साइंस लेकर, क्योंकि जितना हम 10th तक पढ़ते हैं वो एक छोटा सा ट्रेलर होता है, और 11th 12th हमें उसकी पूरी मूवी दिखा देती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत ही डीपली हमें पढ़नी पड़ती हैं, और हर चीज के बेसिक्स के साथ साथ हमें एडवांस लेवल पे भी उसे पढ़ना पड़ता है। जो हमारी 10th तक की साइंस होती है, आप है उसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। एज अ साइंस स्टूडेंट आई विल नॉट से कि साइंस टफ होती है, और ये भी बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि साइंस ईजी होती है, बस आपकी मेहनत ही है जो आपको 12th बोर्ड में एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करवा सकती है। जो आपको साइंस पढ़नी होती है, या हम मेनली फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स के लिए आपको 11th में डे 1 से ही कॉन्टिनेशन में पढ़ना पड़ता है। साइंस करने के लिए हमें 3 चीजें मस्ट चाहिए होती हैं। सबसे पहली चीज है पेशेंस। पेशेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम ये स्टडी करते हैं तो एक टाइम के बाद हमारे माइंड में ऐसा आता है कि हमने क्यों ले ली साइंस, या हमसे नहीं होगा, या फिर ऐसे नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ जाते हैं। तो उन सबसे ओवरकम करने के लिए हमें पेशेंस की जरूरत होती है, क्योंकि हमें खुद को समझाना पड़ता है कि हाँ हम ये कर लेंगे, और मतलब इसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है ताकि हम उसे कर पाए। दूसरी चीज है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क वी विल नॉट से, बिकॉज स्मार्ट वर्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास 11th और 12th में सिलेबस बहुत ही ज्यादा होता है। 10th के कंपैरिजन में सिलेबस 90% एक्स्ट्रा होता है, और उस सिलेबस को पूरा ओवरऑल कंप्लीट करने के लिए आपको स्मार्टली स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्टिनेशन में स्टडी, हमें प्रैक्टिस कॉन्टिन्यू करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमसे फिजिक्स नहीं होगी। इसमें आपका थ्योरी पोर्शन भी होता है, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, डेरिवेशंस भी होती हैं, सारी चीजें ओवरऑल होती हैं, तो उन सबको इन टोटल अगर हम देखें तो ये इतना ज्यादा सिलेबस होता है कि आपको इसको डेली बेसिस पे इक्वल टाइम देना पड़ेगा, कॉन्टिनेशन में प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपका टिल 12th बोर्ड आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए कि आप पे कोई बर्डन नहीं आएगा और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
बट उससे पहले हम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो गाइस जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमें करना क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमें आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। सो फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ड हमने कहाँ सबसे पहले सुना, कहाँ से ये वर्ड आया, इसे फिजिक्स नाम क्यों दिया गया या इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि ये फिजिक्स नाम आया कहाँ से। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा इमेज में एक मैंने अजीब सा वर्ड लिखा हुआ है। ये ग्रीक वर्ड है जिसे नेचर कहते हैं, इसका मतलब होता है नेचर। ये लेट 15th सेंचुरी का वर्ड है, यहां से हमें फिजिक्स वर्ड मिला। इट मींस फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। बुकिश लैंग्वेज में फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। फिजिक्स के अंदर सारे हमारे नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं। नेचुरल फिनोमिनाज मतलब जितनी भी चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, उन सब की थ्योरी, उन सब के ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स के बेसिस पे हमें फिजिक्स पढ़ने को मिली है। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले हर चीज को ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने अपने फैक्ट्स दिए, थ्योरीज दी, और उसके बाद में हम इन सबको पढ़ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंड ब्लो होना, इट मीन्स कि हवा चलती है। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि हम सबको पता है कि हवा चल रही है, विंड ब्लो हो रही है, तो उसमें फिजिकल किस तरीके से हुआ या उसे हम फिजिक्स कैसे कह सकते हैं। सेकेंड इज करंट फ्लो, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स। हमारे घर में, फैक्ट्रीज में या कहीं पर भी, हर जगह हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज मिलते हैं, और जहां इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होंगे वहां ऑब्वियसली वायर तो होंगे ही होंगे। और अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज नहीं भी होते तो हम घर में वायरिंग करते हैं, अर्थिंग करते हैं, तो उसमें भी हमारा वायर्स का काम होता है, और जहां वायर्स होती हैं तो इट मीन्स कि उसमें करंट फ्लो करवाया जा सकता है। थर्ड इज थंडर एंड लाइटनिंग। बचपन से ही हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि लाइट, आसमान में बिजली गिरना और चमकना, ये सारे हमारे फिजिकल फिनोमिनाज होते हैं। नेक्स्ट फ्री फॉलिंग ऑफ स्टोन। फ्री फॉलिंग का मतलब होता है कोई चीज विदाउट एक्सटर्नल फोर्स गिर रही है, तो किसी भी स्टोन या किसी भी चीज का फ्री फॉल होना, ये सारी चीजें हमारी फिजिक्स में आती है। आगे वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज को डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें क्यों होती हैं। जो फिजिक्स है हमारी उसमें हमें हर चीज के लिए लॉजिक देना पड़ता है, हर चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इस सब को देखने के लिए हम बेसिकली दो चीजों की स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज मैटर एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। मैटर इज द स्टफ दैट मेक्स अप द यूनिवर्स। एवरीथिंग दैट टेक अप द स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। इट मीन्स कि हर वो चीज जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, जिसके अंदर मास होता है, हर उस चीज को हम मैटर बोलेंगे। एग्जाम्पल वॉटर, बुक्स, अर्थ, प्रोटोन्स, पेंसिल एक्सेट्रा। एंड सेकेंड वन इज एनर्जी। एनर्जी बहुत ही बेसिक सा वर्ड है हम सबके लिए। सो जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं या जब साइंस की बात आती है, तो हम सबको ये चीज पता है कि साइंस में जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सबने अपनी ऑब्जर्वेशन और थ्योरीज के बेसिस पे हमें अपने फैक्ट्स दिए जिन्हें हम स्टडी करते हैं। फिर चाहे वो न्यूटन हो या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, कोई भी चीज साइंस में फिक्शन या इल्यूजन नहीं होती है। हर चीज के पीछे एक बेसिक लॉजिक होता है, विदाउट लॉजिक हम साइंस को मानते ही नहीं है। सो उसमें हमारी मेनली जो थिंग्स आती हैं उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है आपकी ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स। इट मीन्स कि अगर आप कोई चीज प्रूफ कर पाते हैं कि ये चीज होती है, तो आप सबसे पहले उसे ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद हम उसके फैक्ट्स बताते हैं कि ये चीज इस तरीके से गिरी तो ये हुआ, या फिर नेचर में एग्जिस्ट कर रही है तो ये सारी चीजें आई। तो हमारे लिए मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम सबने न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये दो साइंटिस्ट के बारे में तो इवन हर कोई जानता है, हमने इनके बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है। हमें न्यूटन से सबसे मेन जो चीज हमें मिली थी वो ग्रेविटेशनल लॉ मिला था। इट मीन्स कि इनके इस लॉ के बाद ही हमें पता चला था कि नेचर में ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, हमारी अर्थ पे ग्रेविटी है। इन्होंने ऑब्जर्व किया जब कि एक एप्पल ट्री से नीचे एप्पल गिरा, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये चीज नीचे ही क्यों आई। तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो इनका स्टेप था वो ऑब्जर्वेशन थी, उसके बाद इन्होंने इसके बारे में।
इसके बाद इन्होंने इसके फैक्ट्स दिए और हमें पता चला कि नेचर में अर्थ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से कोई भी हैवी टू हैवी चीज या कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो वो अपने आप नीचे आ जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी उसे अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेती है। फिर न्यूटन से हमें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का फॉर्मूला मिला, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में R2। हियर F1 एंड F2 बोथ आर फोर्सेस, m1 एंड m2 मासेस, R इज रेडियस एंड G इज ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी है, ये इक्वेशन हम सबने सुनी होती है, इज इक्वल टू MC2। तो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने यही चीज हमें समझाई कि सबसे पहले हमें हर चीज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसके बारे में कुछ फैक्ट्स या थ्योरीज दे सकते हैं। अब जब इन्होंने ये चीजें हमें दे दी तो इट डजेंट मीन कि साइंस है, ऑब्वियसली इसमें चेंजेस आते रहते हैं, यूनिवर्सल चीजें होती हैं इसमें। दूसरी बात जो होती है वो ये कुछ भी स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक का मतलब कि कोई भी थ्योरी या फैक्ट फिक्स नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आगे कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें आ जाएं जिससे हमें पहले वाली थ्योरीज को दोबारा से रीओपन करना पड़े और उस पर एक बार दोबारा से सोचना पड़े। दूसरा, साइंस में या फिजिक्स के जितने भी लॉज होते हैं वो सब यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घर के लिए अलग लॉ बन रहा है या फिर जो लॉज आपने पढ़े हैं वो सिर्फ आपके घर में एग्जिस्ट करेंगे, बाहर कहीं पे वो चीजें नहीं होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके बाद में अगर हमें स्टडी करनी होती है फिजिक्स की, मीन्स कि हमारा 11th 12th में सिलेबस है, हमारी बुक्स होती हैं, काफी ज्यादा सिलेबस होता है, एज आई टोल्ड यू हमें उसे कॉन्टिन्यूशन में पढ़ना होता है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीजें होती है वो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आती है आपकी मैथ्स। आपको फिजिक्स जब पढ़ते हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि हमने साइंस ले ली है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस लेते ही इसलिए हैं कि उन्हें मैथ्स ना पढ़नी पड़ जाए, क्योंकि वो बायो ऑप्शन में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर आपके पास फिजिक्स है तो आपको ऑब्वियसली मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी। मैथ्स हमारी फिजिक्स में डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होती है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 11th एंड 12th फिजिक्स में। उसके बाद सेकेंड आता है आपका फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो चीजें करंट, चार्ज, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स, ये सारी टर्म्स हमने 9th में और 10th में पढ़ी हुई होती हैं। ये सारी चीजें आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं कि जो हमारी डे टू डे लाइफ में ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बस हमारा वे ऑफ टॉकिंग इनके लिए अलग अलग होता है, हम इन्हें बोल कुछ भी सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीजें हम लोग ऑलमोस्ट डे टू डे लाइफ में डेली ही देखते हैं। एंड थर्ड वन इज एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन। फिजिक्स में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जस्ट बिकॉज आपके पास डेरिवेशंस होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो अगर आपके इनमें एक्यूरेसी नहीं आती है तो इसमें हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आंसर्स कई बार इसमें डिजिट्स की वजह से आंसर्स पूरी तरीके से गलत हो जाते हैं। अब जब हम 10th तक की साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हमारी 10th की साइंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। लेकिन कुछ पोर्शन जो होता है उसमें एनवायरमेंटल स्टडीज का जैसे 10th में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसी तरीके से 11th एंड 12th में हमें इनकी डीपली स्टडी करनी होती है। तो ये सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, ये जो 3 पार्ट्स डिवाइड होते हैं ये भी और ज्यादा डीपली डिवाइड हो जाते हैं। अब इसमें हम 11th और 12th इन दोनों क्लासेस में मेनली हम फिजिक्स की 5 ब्रांचेस की स्टडी करते हैं। फर्स्ट ब्रांचेस मैकेनिक्स, नाम से ही पता चल रहा है कि मोशन से रिलेटेड इसमें कुछ चीजें हैं। इसमें फाइनाइट साइज होता है, डिस्टेंस, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। जो मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, तो आप सब भी प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिएगा। और मैंने ये सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में लिखी हैं, तो आप अपने थ्योरी में या जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपने नोट्स इसके अलग से बना सकते हैं। जब हम मोशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो आता ही आता है, लेकिन इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है जो कि फोर्स है। उसके अलावा मैकेनिक्स में हम फ्लूइड्स के बारे में भी पढ़ते हैं। फ्लूइड्स वो चीजें जिन जो फ्लो करती हैं, लाइक गैसेस और लिक्विड, इस ब्रांच को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। सेकेंड वन इज थर्मोडायनामिक्स।
नाम से थर्मोडायनामिक्स में ही थर्मल आता है. थर्मोडायनामिक्स आपका बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, थर्मो एंड डायनामिक्स. थर्मो मीन्स थर्मल एंड डायनामिक्स मीन्स की मोशन. इट मीन्स की ऐसी स्टडी जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है कॉन्टिनेशन में जब वो मोशन में होता है. एग्जाम्पल हमारे पास इसमें आते हैं इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये आपके थर्मोडायनामिक्स में हम इसकी स्टडी करते हैं. और इसके अलावा इसमें एनर्जी की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्स या ट्रक या किसी भी ऑटोमोबाइल की बात करते हैं तो जो हमारी हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. थर्ड वन इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स. इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ते हैं. 10th स्टैंडर्ड में हमने AC-DC पढ़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रो डायनामिक्स में हम मेनली इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 4 इज ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स 11th एंड 12th के फिजिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक होता है. ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्कोर करवा जाता है अगर हम इसको अच्छे से क्लियर कर लें. ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू लाइट, लेंस, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप एक्सेट्रा. ये सारी टर्म्स आपने सुनी होंगी. लाइट की बात करते हैं तो जो हमें नेचर से लाइट मिली हुई है, स्टार्स की, मून्स की, ये सारी लाइट्स इसमें आती है. लेंस, इवन हमें पता है कि स्टार्स और मून्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से ही मिलता है, बट स्टिल हम इसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे. लेंसेज, हमारे आई लेंस की भी बात हो सकती है, और जो टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप में हम लेंसेस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेस का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं. नंबर 5 पर आता है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर. एटॉमिक एंड न्यूक्लियर ये हमारी मॉडर्न फिजिक्स में आता है और इसे हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं. इसमें हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करते हैं, जो चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी होती हैं, लाइक एटम्स, न्यूक्लियस, एटॉमिक पार्टिकल्स, इनका साइज नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है. उसके अलावा हम दो और टॉपिक्स इसमें पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस, साउंड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, रिलेटिविटी आर सम अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, क्लासिकल एंड मॉडर्न. क्लासिकल का मतलब वो हो गया कि जो चीजें या जो लॉज हमें बहुत बहुत ज्यादा पहले मिले थे, उन सारे लॉज को हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल लॉज या न्यूटन के हम 3 लॉज पढ़ते हैं. वो सारी चीजें, ये जो लॉज पहले बने थे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमें मिली थी, ये सारी चीजें हमारी क्लासिकल फिजिक्स में डिवाइड होती है. और जो मॉडर्न फिजिक्स है उसे हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ते हैं, लाइक एटम्स एक्सेट्रा. अब देखा जाए तो फिजिक्स हर जगह होती है, सब कुछ फिजिक्स है. चलते हैं तो फिजिक्स है, अगर हम चलते चलते स्लिप हो रहे हैं तो फिजिक्स है, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसमें भी फिजिक्स लगती है. तो फिजिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से अटैच्ड है, तो वी कांट से कि फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ होती है. सो आप सबके लिए यही इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम फैक्ट्स के साथ में पढ़ें और बेसिक्स को जानें तो ये हमारे लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन सकता है.